इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान भूत भावन ने जब राम कथा सुनाई तो माता जी ने पूछा कि बाबा, जो प्रसंग कागभुसुंडी जी ने सुनाया उसमें से कई प्रसंग हमको आपने नहीं सुनाया जो उनको उन्होंने सुनाया। तो बाबा बोले, देवी सुनाया तो बहुत, परंतु कथा का ऐसा भाव है कि श्रोता सुमति संपन्न हो, सुशील हो, कथा रसिक हो और भगवान का दास हो, तो जो वक्ता होता है वो गोपनीय से गोपनीय बात को प्रकाशित करने का प्रयास करता है। दोहा देखिए, वाह, श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक हरि पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन कर। पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रता। कथा सुनाने से अधिक सुनने वाले की सरसता का प्रभाव है। सुनना कितनी श्रद्धा से हम चाहते हैं, अनिश्चित मानिए हम आप अपने अपने पुण्य के लिए इस पुरुषोत्तम मास में कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। किष्किंधा का वो छंद मुझे बहुत प्रिय है, जो सुनत गावत कहत समुदत परम पतनर पावी, जो सुनत गावत कहत समुदर परम पतनर पावी, रघुबीर पद पाथो जमलो तुलसी का, रघुबीर दास तुलसी का, हाँ दास तुलसी का, कपिसेन संग संहार निश्चर राम जी सीतहि आनि हैं। त्रैलोक के पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है, जो सुनत भगवत कथा
गाने वाले से अधिक सुनने वाले को फल प्राप्त होता है। सुनत तब गावत, उसमें भी हम नहीं आते, ये गाते तो साथी लोग हमारे, हम कहा तीसरी सीरीज में आते हैं। और आप लोग चौथी में फिर आते हैं, सामुझत जो समझ गया। कौन कथा समझ गया, कैसे रहना है परिवार में, कैसे रहना है व्यवहार में, क्या करना है जीवन में, जो समझ गया परम पद पावई। कितनी सरल कथा है, कितनी प्रिय कथा है, कैसा माधुर्य है। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जनर अरुणा, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिसीरा। श्री राम कथा भव रोग की दवाई है, भव भेषज। रोग क्या है, अरे चाहे जौन रोग होए, मनसा हो, वाचा हो, कर्म का हो, सिर दर्द की दवाई नहीं है, सिर दर्द होइबे न करे इसकी दवाई। सर दर्द कब होता है, जब हम अधिक लोड लेते हैं। अधिक दबाव में रहेंगे तो सर दर्द होगा। जैसे सहजावस्था में आएंगे दर्द समाप्त होगा। भव भेषज रघुनाथ जस, नर नारी जो सुनेगा सारे मनोर, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध कर ही त्रिसिरारी। राम जी, हमारा आपका सबका, अब आपका कितना सिद्ध हुआ हम नहीं जानते, लेकिन हमारे जो मनोरथ हम करते हैं वो करने के साथ सिद्ध हो जाते, इसलिए हमने मनोरथ करना बंद सा कर दिया, नहीं बंद कर। कल की कथा कहां विश्राम दी गई थी बताइए, सुनते हैं तो कहीं से बोलिए ना भाई, हैं? हाँ हाँ, सुंदरकांड में कहां थे बताइए। श्री हनुमान जी, नहीं नहीं हनुमान जी लौट आए थे, बोल बड़की। एक बात कहूं, जरा मोबाइल बंद रखे, तो सांप बिच्छू में झुराए रहेंगे तो कथा असर नहीं करेगी, थोड़ा अभ्यास करिए। अरे बैठे भी रहेंगे और जुटे भी रहेंगे तो कथा समझ में नहीं आएगी, फिर दूसरे से पूछना पड़ेगा, कुछ कह रहे थे क्या महाराज जी, कथा कह रहे थे, क्या कह रहे थे। ओ, रुक्मणी विवाह चल रहा है, प्लीज अवॉइड इट। आइए, श्री हनुमान जी माँ से चूड़ा मड़ी लेकर कपि समाज के पास आए, सबके साथ में मधुबन आए, बाबा जाममंत जी के सानिध्य में, भगवान की शरण में, सुग्रीव जी के संग में पधारे। यहां तक तो कि अधिकारी लोग कभी कभी कथा सुनते हैं, इसलिए हमने उसको आगे बढ़ाते हुए वहां तक पहुंचाया कि थोड़ा उनको भी कुछ सुन जाए, बड़े सुहृद हैं। तो
सुंदरकांड में भगवान की शरण में सब लोग पधारे। अब दो पुण्य और दो पाप एक साथ होते हैं। जब हम सत्कर्म करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो हमारा परमार्थ भी सिद्ध होता है और भगवान प्रसन्न भी होते हैं। एक पुण्य दो एक साथ होते हैं। पाप जब हम स्व गुणगान करते हैं तो पर निंदा भी उसी में उत्पन्न हो जाती है। अब संदेशा कौन देगा? प्रभु के पास संदेश कौन देगा? कौन देगा? व्यवहार शास्त्र के अनुसार बड़े के संग में छोटे को मौन रहना चाहिए, बड़े को बोलना चाहिए। सबसे वयवृद्ध कौन है? अतो जामवंत बाबा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।